सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के ग्रुफेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो है वो बन रहा है थोड़ा सा लेट, क्योंकि दोस्तों मैं था बिजी अपने काम में, मैं कर रहा था एडवांस पे अपना काम कंप्लीट, क्योंकि मैं आने वाला हूँ आने वाले 3 दिनों तक इंडिया में, और अभी बस वीडियो रिकॉर्ड करती भागने वाला हूँ सीधा कुछ शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद दोस्तों है मेरी फ्लाइट सुबह अर्ली मॉर्निंग की, और अभी इस इंडिया ट्रिप में दोस्तों होने वाले हैं बहुत सारे कमाल के कोलैबोरेशंस दोनों ही चैनल्स के लिए। उम्मीद दोस्तों है कि आपको आएंगे पसंद, और यहाँ पे आप बता दो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के नाम जो कि हैं मुंबई में, मुंबई के आसपास, और उम्मीद है कि आप उनको देख पाओगे मेरी आने वाली कुछ वीडियोज में। दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहला अपडेट है वो निकल के आता है एक हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके, जहां पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि भैया हमने ले लिया कोई नया फोन, उसके बाद एक बार वो हमारे हाथ से गिरा तो जो स्क्रीन दोस्तों है वो हो जाएगा चूर चूर, और यहां पे अगर ग्लास है पीछे तो दोस्तों पीछे से भी पूरा का पूरा बिखर जाएगा। लेकिन यहां पे जो साइंटिस्ट्स हैं वो ढूंढ रहे हैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और वो दोस्तों प्लान करते हैं कि अगर हम ग्लास के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करें तो वो दोस्तों बन सकता है शटर प्रूफ एक बहुत ही स्लिम फॉर्म फैक्टर में। तो ये चीज अगर हम आगे चल के काम में लेंगे हमारे स्मार्टफोन्स में तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसके बाद में एटलीस्ट हम उनको बिना किसी टेम्पर्ड ग्लास, बिना किसी स्क्रीन गार्ड, बिना किसी केस कवर के यूज कर पाएंगे कंप्लीटली नेकेड। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल की तरफ से, और यहां पे दोस्तों गूगल हमको ये बताता है कि भैया 2017 जो है वो खत्म होने वाला है, तो यहां पे पूरे साल भर में लोगों ने क्या क्या सर्च किया इंटरनेट पे। और यहां पे दोस्तों इंडिया में अगर आती है हाउ टू वाली कैटेगरी, तो वहां पे दोस्तों लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च ये किया कि हाउ टू लिंक आधार कार्ड विद पैन कार्ड, हाउ टू बुक जियो फोन, हाउ टू बाय बिटकॉइन। इसके अलावा दोस्तों यहां पे व्हाट इज कैटेगरी में लोगों ने सर्च किया कि भैया व्हाट इज जियो प्राइम, व्हाट इज रैंसमवेयर वगैरह वगैरह। तो ये है दोस्तों कमाल की बात। वैसे आप मुझे बताओ कि क्या आपने अपना आधार कार्ड को लिंक करवा लिया है पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, यूट्यूब चैनल वगैरह के साथ में? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हां तो कितना हुआ दोस्तों यहां पे काम आसान। इसके अलावा आपने क्या सर्च किया गूगल में, अगर कुछ अच्छी बात है तो बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो सेमेज अगला अपडेट है वो निकल के आता है एक सर्वे को लेके, जो हमको ये बताता है कि दोस्तों एआई के आने के बाद में जो हम सोचते हैं कि भैया जो नौकरियां हैं वो चली जाएंगी, जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो चले जाएंगे, एआई का दोस्तों मतलब है यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे जो काम है वो मशीन्स वगैरह अपने आप कर लिया करेंगी। तो यहां पे दोस्तों स्टडी ये बताती है कि जितनी नौकरियां जाएंगी उससे कहीं ज्यादा नए जॉब्स अलग अलग कैटेगरीज में क्रिएट भी होंगे। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है, हालांकि हमेशा सोचते हैं कि अगर कुछ भी नया होता है इंप्रूवमेंट तो जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं वो चली जाएंगी, लेकिन दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं से नए जॉब्स हो जाते हैं क्रिएट, और यहां पे ऐसे में एआई जो है वो बहुत सारे नए जॉब्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्रिएट करने वाली है। तो सर अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया एक रिपोर्ट को लेके, जो कि आती है ट्रूकॉलर की तरफ से, और यहां पे दोस्तों हमको मालूम चलता है कि इंडिया नंबर 1 है पूरी दुनिया में स्पैम मैसेजेस को रिसीव करने में। दोस्तों यहां पे हम इंडियंस को आते हैं ढेर सारे तरह तरह के एसएमएस, भैया दिन में कभी तो लग गई लॉटरी, कभी जीत गए कोई इनाम, कभी लग गई नौकरी, कभी मिल रहा है क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो यहां पे दोस्तों तरह तरह के आते हैं स्पैम मैसेजेस, वहां पे हम भैया दुनिया में नंबर 1 है उनको रिसीव करने में, और होंगे भी क्यों नहीं, यहां पे दोस्तों हमारे पास में है इतनी सारी आबादी। अब ऐसे में आपको दोस्तों दिन के कितने मिलते हैं स्पैम मैसेज में बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम इसका कोई ढंग से सॉल्यूशन निकाल लें, मतलब आप अगर डीएनडी को भी एक्टिवेट करवा लोगे अपने नंबर पे तो भी आपको कहीं ना कहीं से भैया स्पैम तो घुस के मिल ही जाता है। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है फेसबुक की तरफ से, और अब दोस्तों फेसबुक मैसेंजर में आप यूज कर पाएंगे स्नैपचैट जैसे एक फीचर को, जो कि है दोस्तों बेसिकली वर्ल्ड इफेक्ट्स वाले कुछ एआर स्टिकर्स। तो यहां पे भैया यही चलता है कि कुछ अगर चल रहा है इंस्टाग्राम में तो वहां से आ जाएगा स्नैपचैट में, स्नैपचैट में है तो आ जाएगा व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में आएगा तो आ जाएगा फेसबुक, मतलब सब कुछ पूरा जाल बना हुआ है, सभी चीजें सभी काम करती हैं और फिर भी हम सभी को यूज करते हैं, और ये है दोस्तों यहां पे अपडेट फेसबुक के मैसेंजर के लिए। दोस्तों अगला अपडेट वो निकल के आता है यहां पे एक्ट फाइबर नेट के लिए, और ये दोस्तों लेके आ गया है अपने हाई स्पीड 1 Gbps वाले इंटरनेट कनेक्शन को भी हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में भी, जहां पे दोस्तों मंथली प्लान है वो है 5999 के दोस्तों करीब 6000 रुपए पर मंथ, और आप एंजॉय कर पाएंगे 1 Gbps तक की स्पीड्स को। हालांकि दोस्तों ये एक अनलिमिटेड प्लान नहीं है, यहां पे आपको डेफिनेटली आगे चल के FUP मिल जाती है, आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन मैं दोस्तों दुबई में इसी 1 Gbps के लिए जो पे कर रहा हूं वो है 5000 दिरहम पर मंथ, यानी करीब करीब 90000 रुपए, और मुझे हालांकि दोस्तों
साथ में लैंडलाइन फोन मिलता है, वहां पे कॉल्स अनलिमिटेड है, साथ में टीवी चलता है वो भी कंप्लीटली अनलिमिटेड है, स्पीड भी अनलिमिटेड है, मैं चाहे जितना यूज करूं, लेकिन फिर भी भैया इंडिया में 6000 और दुबई में 90000 1 GBPS के लिए, ये है दोस्तों डिफरेंस। और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सबसे सस्ता है अगर मैं आपसे बात करता हूं इंटरनेट की या फिर इवन मोबाइल इंटरनेट की भी। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे एप्पल की तरफ से, और यहां दोस्तों एप्पल ने इन्वेस्ट किए हैं $390 million। एक दोस्तों यहां पे कंपनी है टेक्सास बेस्ड चिप मेकर जिसका नाम है फिनिसर, और यहां पे दोस्तों एप्पल प्लान करता है कुछ चिप्स को डेवलप करने का लोकली यूएस में ही, जहां पे दोस्तों वो कुछ अपने आईफोन के फीचर्स, फॉर एग्जांपल आपका एनिमोजी हो गया, फेस आईडी वगैरह हो गया, उसके लिए शायद इन चिप्स को काम में ले पाएगा अपने आने वाले फ्यूचर आईफोन्स में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Xiaomi के कुछ नए इन ईयर नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स को लेके, और ये दोस्तों लॉन्च किए गए हैं चाइना में। जो प्राइस है वो है 299 yuan यानी करीब दोस्तों 2900 रुपए के आसपास, और यहां पे आपको मिलता है एक 3.5 mm वाला हेडफोन जैक। लेकिन सैड न्यूज़ ये है कि Xiaomi के अपने ही बहुत सारे फोन है जिनमें आपको 3.5 mm वाला ऑडियो जैक नहीं मिलता है। तो ये दोस्तों ईयरफोन से देखते हैं कि इंडिया में कब तक आते हैं और कितनी अच्छी नॉइस कैंसिलेशन दोस्तों टेक्निक्स है उसके थ्रू आपको बढ़िया हियरिंग क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया यहां पे गूगल के वापस से दोस्तों सर्च को लेके, और जो टर्म जो नंबर वन पे रही दोस्तों हर एक कैटेगरी में, मतलब किसी भी तरीके से इंडियंस ने सबसे ज्यादा सर्च किया वो था बाहुबली 2। शायद पिछले साल के लिए होगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इस बार जो है वो लोगों ने सर्च किया बाहुबली 2। तो ये है दोस्तों इस साल का टॉप सर्च कीवर्ड गूगल सर्च के हिसाब से। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है पैनासोनिक की तरफ से, ये है दोस्तों एक नया फोन Iluga L9 या फिर ये i9 है, पता नहीं क्या है। एक तो नेमिंग स्कीम ऐसी है कि मतलब समझ नहीं आता है कौन सा फोन कब आया, बाद में कौन सा आएगा, पहले कौन सा आया था। और ये दोस्तों एक 7499 रुपए का फोन है, आपको मिलता है मीडिया टेक का 6737, 5 MP का फ्रंट कैमरा, 13 MP का रियर कैमरा, 2500 mAh की बैटरी। तो मतलब आपने क्या तीर मार लिया यार, क्या बाकी कंपनीज पागल है जो इतने अच्छे अच्छे आपको दूसरे फोन्स मिल रहे हैं और वो ये छोड़ के लेगा पैनासोनिक का Iluga L9। मतलब समझ नहीं आता कि फोन का अगला पिछला क्या था, अगला वर्जन कौन सा आएगा, पिछला वर्जन कौन सा आएगा, और जो प्राइस है वो है 7500 रुपए, 5 इंच का एचडी स्क्रीन, मीडिया टेक का 6737, कोई क्यों लेगा इसको, लेकिन फिर भी लोग ले लेंगे क्योंकि दोस्तों लोग करेंगे रिव्यू, पता जो भी है, ये बकवास सा फोन लॉन्च कर दिया है यहाँ पे पैनासोनिक ने। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे भैया गुड न्यूज अपने दोस्तों इंडिया में आने वाला है बहुत जल्दी इन फ्लाइट वाईफाई। यहाँ पे दोस्तों अभी होता ये है कि जिन एयरक्राफ्ट में वाईफाई अवेलेबल भी है लेकिन वो जब भी इंडिया के ऊपर से दोस्तों फ्लाई करते हैं तो वहां पे वाईफाई काम करना बंद कर देता है। और यहाँ पे दोस्तों विद इन इंडिया, तो डोमेस्टिक हम देखते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को वाईफाई की सर्विसेज नहीं मिलती है, लेकिन ये अभी बहुत जल्दी होने वाला है। और यहाँ पे तो ट्राई जो है वो कुछ रिकमेंडेशन हमें फाइनलाइज करने वाला है इसी मंथ के एंड तक, तो इसके बाद में हम बहुत जल्दी इंडियन एयरक्राफ्ट्स में, इंडियन एयरलाइंस के अंदर भी बड़े आराम से इन फ्लाइट वाईफाई को एंजॉय कर पाएंगे, हालांकि स्पीड बहुत ही कम होती है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया वोडाफोन का एक किलर प्लान ₹348, इसको दोस्तों चेंज किया गया है, रोज का 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, मतलब वो दिन के कुछ 250 मिनट्स हैं, हफ्ते के 1000 मिनट्स हैं, लेकिन दोस्तों ₹348 में आप 28 दिनों तक एंजॉय कर पाएंगे रोज का 2 GB डेटा वोडाफोन के लिए। तो ये दोस्तों एक बहुत ही कमाल की बात है, मतलब सब लड़ाई लड़ रहे हैं एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो, अच्छी बात है हमको फायदा मिल रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है कौन क्या काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है इंस्टाग्राम की तरफ से, जहां पे अब दोस्तों आप नॉर्मल यूजर्स के अलावा हैशटैग्स को भी फॉलो कर पाएंगे, यानी कि अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो आप दोस्तों उसका जो हैशटैग है अगर आप उसको करते हैं फॉलो तो बाद आप देख पाएंगे वो सभी पोस्ट जहां पे उस हैशटैग को यूज किया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है इंस्टाग्राम के लिए, और आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो आप दोस्तों कर लो, जो आईडी है उसका नाम है टेक्निकल गुरुजी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहां पे भी हम 2 लाख जो फैमिली परिवार है पूरा सा एक बढ़िया वाला उसको कंप्लीट कर पाए। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है LG की तरफ से, और यहां पर दोस्तों LG ने इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना फोन जो कि है V30+, जो प्राइस है वो बड़ी कमाल की है, और ये है दोस्तों सिर्फ ₹44,990। ये दोस्तों बहुत ही कमाल प्राइस पे लॉन्च होने वाला फोन है, फीचर्स दोस्तों मिलते हैं यहां पे भरपूर, एकदम फ्लैगशिप ग्रेड फोन है। लेकिन LG की किस्मत इतना लेट क्यों लॉन्च किया, मतलब यही फोन अगर आता मार्केट में 2-3 महीने पहले, जबकि नोट 8 था उस टाइम पे ये बैंड पे आता नोट 8 की, लेकिन ये फोन अभी लॉन्च करके मतलब क्या उखाड़ लिया आपने, लोग भूल जाएंगे 2 दिन के अंदर, भी किसी को याद भी नहीं है कि V30+ क्या है। हालांकि दोस्तों यहां पे आपको बहुत सारा कमाल का हार्डवेयर मिलता है, 128 GB की स्टोरेज है LG का, दोस्तों यहां पे कैमरा कमाल का है, स्क्रीन कमाल का है, इसके अंदर दोस्तों आपको मिलती है क्वाड डेक सिस्टम वो कमाल का है, लेकिन किसको पड़ी है आज की डेट में। प्राइस बहुत ही इंटरेस्टिंग
कॉस्टिंग दोस्तों है इस फोन की, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं LG के इस V30 Plus को दोस्तों। और ये बेसिकली दुनिया में भी सस्ती प्राइस है इंडिया में कंपेयर टू बाहर जितने का मिलता है फोन दोस्तों। यहां पर अगला अपडेट है वो निकल के आता है iMac Pro के लिए, और यहां पर इसके जो प्री ऑर्डर है वो दोस्तों शुरू हो रहे हैं US में 14 दिसंबर से। और ये दोस्तों जो एप्पल का अभी लेटेस्ट ऑल इन वन लैपटॉप है, इसमें आप जा सकते हैं 128 GB रैम तक, और आप दोस्तों अभी चूज कर सकते हैं 18 कोर तक के CPU को। हालांकि दोस्तों बेस वेरिएंट है वो आता है 10 कोर डिजाइन और 32 GB रैम के साथ में, लेकिन फिर दोस्तों इसकी जो प्राइस है शुरुआती वो है करीब $5,000 यानी करीब करीब 3,20,000 रुपए के आसपास। 14 दिसंबर से कर सकते हैं प्रीऑर्डर, और इंडिया में इसकी प्राइस तो आराम से 5 लाख के आसपास जाएगी। लेकिन ये है दोस्तों एप्पल का लेटेस्ट कंप्यूटर एप्पल iMac Pro। बस यही थे आज के सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको तो सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।